पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि हम एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट से मल्टीपल यूजर्स बनाने हो अगर हमें एक क्लास, तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले एक एक्सटेंशन होती है CSV फाइल, जिसको हम कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ये फाइल बेसिकली अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम होगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन होती है, ठीक है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम नहीं है, एक्सेल नहीं है, तो हम इसको नोट पैड में भी ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास एक सैंपल इसकी CSV फाइल पड़ी है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने से मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास ये कुछ नाम ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से क्या फॉर्मेट रखना है, ठीक है। हमें कहाँ पर यूजर बनाना है, क्या हमारे कंपनी का डोमेन नेम है, किस तरीके से उसको चलाना है, ठीक है, ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सुनाओ, अब सबसे पहले यहाँ से ये बता रहा हूँ कि हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाके अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना लेते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे यूजर बनते जाएंगे, ठीक है। एक मैं यहाँ पे google.com पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे क्लिक करते हैं, IT के नाम से OU बनाते हैं, ठीक है। इस IT नाम के OU को बनाने के बाद हम मिनिमाइज कर देते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। अब CSV फाइल के अंदर की स्क्रिप्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले DN का मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड नेम, ठीक है। ये एक्चुअली डिस्टिंग्विश्ड नेम पास होता है जो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जितना हमारा ये इन्वर्टेड कॉमा में पोर्शन है, ये हमारा डिस्टिंग्विश्ड नेम है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट किस नाम से बनेगा, ठीक है। जैसे CN इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नाम दिया यहाँ पर, ठीक है, और कॉमा OU का नाम दिया, कॉमा डोमेन कंट्रोलर दिया, gel.com है कि कौन सा डोमेन आपकी कंपनी का रनिंग है वो आपको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। स्टैम्प ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास यानी कौन सा ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, इसका आंसर नेक्स्ट लाइन के हमने दिया हुआ है यूजर, ठीक है। सैम अकाउंट नेम यानी सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजमेंट नेम, सैम अकाउंट नेम हमारा क्या है, जैसे फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, दैट इज कॉल्ड सैम अकाउंट नेम, इसको सैम अकाउंट नेम कहते हैं, ठीक है। SN यानी सीरियल नंबर, सीरियल नंबर क्या है, ये हमारा यहाँ पर आता है फर्स्ट नेम, ठीक है। तो मैं वैसे यहाँ पे सैंपल के लिए लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम हमारा सीरियल नंबर होता है। गिवन नेम, गिवन नेम हमें क्या रखना है, एंट्री यूज, ठीक है, एंट्री यूज हमें रिप्रेजेंट करना है गिवन नेम में। लास्ट में हमारा आता है यूजर प्रिंसिपल नेम, जो कि हमारी ईमेल आईडी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यूजर प्रिंसिपल नेम। अब ये फर्स्ट लाइन जो है, ये एक तरह का पूरा इंडेक्स फॉर्मेट है जिसके अंदर हम क्या क्या चीजें पुट करेंगे, और इस इंडेक्स फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पर यूजर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अपने नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। OU हमारा बनाया है IT के नाम से हमने बनाया, और डोमेन है हमारा google.com नेम है, यूजर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर सजिंदर यूजर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, Singh and google.com, ठीक है, ये हमने बना दिया। अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट और बनाना है तो मैं यहाँ पर सीधा इस लाइन को कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे एंटर कर देते हैं और इसको पेस्ट कर, ठीक है। यूजर नेम की जगह जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं डाल देता हूँ जस्ट इंडर,
ये हमारे दो यूजर अकाउंट बन जाएंगे, ठीक है, एक तजिंदर सिंह के नाम से, एक जसिंदर सिंह के नाम से, ठीक है। नाम चेक कर लेते हैं, लास्ट तक कोई भी स्टेटमेंट मिस नहीं होनी चाहिए, ये हमारे यूजर बन गए, ठीक है। तो हम सेव कर लेते हैं, सेव एज, तो हम रखते हैं सी ड्राइव पे, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, फाइल के नाम से, इसके अंदर फाइल नेम दे देते हैं यूजर डॉट सी एस पी, सी एस पी हमारी एक्सटेंशन है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। इसको करते हैं सेव, हमारी फाइल बन गई, तो करते हैं क्लोज। सी ड्राइव में एक ग्राफिकली चेक कर लेते हैं, स्क्रिप्ट फाइल नाम से यूजर बन गया, यूजर डॉट सी एस पी फाइल बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है फाइल को, कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे उसके लिए हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पर फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे सी एस वी डी ई स्पेस हाइफन आई, इम्पोर्ट फंक्शन लगाएंगे, स्पेस हाइफन एफ फाइल नेम लिखेंगे जो कि हमारी कहाँ पर है, स्क्रिप्ट फाइल में, ठीक है, और इसके अंदर यूजर डॉट पी एस सी नाम से फाइल है, स्पेस हाइफन के लगाएंगे। हाइफन के ऑप्शन इसलिए है कि अगर इम्पोर्ट फंक्शन में कोई एरर आता है, ठीक है, या फिर ये यूजर पहले से बना हुआ है इस नाम से, तो वो यूजर क्लैश ना करे, ठीक है, वो अगर एक और यूजर बनाना चाहे तो बना सकता है। जैसे कि अगर मेरा तजिंदर नाम से यूजर पहले से बना हुआ है यूजर फोल्डर में, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से कंप्यूटर में, तो वो क्या है कि वो बना रहेगा अलग से, और जो मेरा आईपी नाम का ओयू है जिसमें मैं यूजर बनाने जा रहा हूँ उसमें भी एक कॉपी आ जाएगी, ठीक है, तो मतलब क्लैशिंग को हटा देगा हाइफन के ऑप्शन। यहाँ एंटर करते हैं, देखो टू एंट्री मॉडिफाइड सक्सेसफुली आ जाता है। अब मैं यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखो दो यूजर आ गए, लेकिन दोनों में साइन जो है डाउन पे बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होंगे, राइट क्लिक करके इसको एनेबल करते हैं तो एनेबल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, अकाउंट यहाँ पर हमारा एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपकी नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो होती है ये तो हमारी होगी सी एस सी एक्सटेंशन फाइल, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हम सेव करते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारी स्क्रिप्ट जो है, नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारी एल डी एफ फाइल की, तो स्क्रिप्ट में जाते हैं, एल डी एफ फाइल की हमारी जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर हम कैसे बनाएंगे यूजर, जैसे मेरे पास अगर मैं इसको ओपन करता हूँ एल डी एफ फाइल को, राइट क्लिक करके ओपन और नोट पैड में ओपन करते हैं, तो हमारे पास ये कुछ फॉर्मेट आएगा जिसके अंदर डिस्टिंग्विश नेम आ रहा है, ठीक है, जैसे एक्टिव सी वन इसको चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, ओ यू मेरा ओ यू है आई टी के नाम से, ठीक है, सेम वही लोकेशन है, और यहाँ पर है मेरा डोमेन नेम गूगल, ठीक है, एक्स लाइन पे ऐड करना है हमें, ठीक है, एप्पल सीवर नाम है यूजर का, कॉमन नेम, ऑब्जेक्ट क्लास यूजर है, ठीक है, सैम अकाउंट नेम एप्पल डॉट सीवर, यूजर प्रिंसिपल नेम हमारा क्या है एप्पल डॉट सीवर एट गूगल डॉट कॉम, ठीक है, गिवन नेम एप्पल, सीरियल नंबर सीवर, डिस्प्ले नेम सीवर, ठीक है, और मेल आईडी अलग से भी जनरेट कर सकते हैं एप्पल डॉट सीवर एट गूगल.com, ठीक है। अब ये सेल्स डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, इसका टाइटल डाल सकते हो, डिपार्टमेंट डाल सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कंपनी डाल दी, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने गूगल लिमिटेड, ठीक है, सेम चीज ऐसे ही एक यूजर और बनेगा टोनी प्रेजेंट के नाम से, ओयू मैं बना रहा हूँ यहाँ पर जैसे लिखते आई टी, ठीक है, और डोमेन कंट्रोलर क्या बना रहा हूँ यहाँ पर मैं गूगल के नाम से, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पे यूजर प्रिंसिपल नेम चेंज कर रहा हूँ टोनी डॉट प्रेजेंट एट गूगल डॉट कॉम, मेल आई डी चेंज कर देते हैं,
डिक्शनरी टाइटल और ये सब चीजें हम ऐड कर सकते हैं। ये डालने के बाद मेरे यहाँ पे दो यूजर बनेंगे, तो सेव एज कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको डाल रहा हूँ स्क्रिप्ट 5 में और फाइल नेम दे रहा हूँ यूजर 1.ldf एक्सटेंशन दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको कर रहे हैं सेव। नाउ इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, यहाँ पर ldf फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए ldifde चलाना है, ठीक है, सेव हाइफन आई सेव हाइफन है, सेम वही कमांड डालनी है आपको, और यहाँ पर डालना है यूजर डॉट csv की जगह यूजर 1.ldf सेव हाइफन के, सेम ऑप्शन लगेंगे, कोई चेंज नहीं है, ldifde की जगह एंटर किया, लोडिंग एंट्री टू एंट्री मॉडिफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक्सेस सीवर और टोनिक विजन दोनों बन गए, इसको एनेबल करते हैं, एनेबल अकाउंट हो गए, ठीक है। अब किसी एप की प्रॉपर्टीज में जाते हैं और देखते हैं क्या चीज़ चेंज हुआ है, सारी चीज आ गई, तो ldf फाइल में ये इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में मिलेगी, ये बेनिफिट है, ठीक है, तो ldf फाइल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ है नेक्स्ट है हमारा विंडोज पावर शेल। विंडोज पावर शेल अब हमें किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए जैसे लेफ्ट साइड मेरे पास पावर शेल की स्क्रिप्ट है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर इसमें ldf लोकेशन है, स्क्रिप्ट हमारी ऐसी ही रहेगी ldf लोकेशन की, इसमें कोई भी स्पेस कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, ये ध्यान से करके चलना, क्योंकि स्क्रिप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, कॉमा स्पेस कुछ भी चीज चेंज ना हो। यहाँ पे मैं एक यूजर बना रहा हूँ मैरी नॉब के नाम से, ठीक है, OUIT है, डोमेन कंट्रोलर गूगल है, इन सबको मैं सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और मैं इसको एक यूजर बना रहा हूँ इसमें, और विंडोज पावर शेल को ओपन करता हूँ। पावर शेल में हमें कॉपी करना है नोट पैड से, और पावर शेल में जाके सीधा पेस्ट कर देना बाय राइट क्लिक, राइट क्लिक किया सारी कमांड पेस्ट हो जाएंगी, एंटर किया आपका यूजर बन गया, ठीक है, जो ये डायरेक्ट स्क्रिप्ट है जो एग्जीक्यूट कर जाएगी विंडोज पावर शेल, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के कंप्यूटर में जाते हैं और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करते हैं वही मैरी नॉट यूजर एनेबल अकाउंट, ठीक है, विंडोज पावर शेल से भी बन जाएगा। दूसरा रहता आपको अगर यूजर की विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट फाइल बनानी है तो स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू भी बना सकते हो, जिसकी एक्सटेंशन .dbs है, एडिट करते हैं, सेम है गूगल बेसिक स्क्रिप्ट, OU हमारा IT है, डोमेन कंट्रोलर है google.com, फाइल में जाके सेव एज करते हैं और स्क्रिप्ट 5 पे जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यूजर 2.dbs, सेव कर देते हैं इसको, क्लोज, और अपने स्क्रिप्ट 5 के नाम से जाते हैं फोल्डर से, यूजर 2 पे डबल क्लिक करते हैं और स्क्रिप्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, सीधा डबल क्लिक करना है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिफ्रेश करेंगे, एक और यूजर यहाँ पे बन गया जो हमारा किस पे बना है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट पे, ठीक है। लास्ट हमारी बैच फाइल है, बैच फाइल के थ्रू भी हम यूजर बना सकते हैं, लेकिन जो बैच फाइल के थ्रू यूजर बनेंगे उसके अंदर ds add आपको कमांड जो बता रखी है वही कमांड चलेगी, ठीक है, चलिए क्या करना है आपको, जैसे नेक्स्ट में मेरे पास एग्जाम्पल है ds add यूजर cn यूजर 01 से लेके यूजर 07 OU, मेरा OU यहाँ पर IT मेरे को बनाना है, मैं यहाँ पे IT ला रहा, तो यहाँ पर हम यहाँ पे IT दे रहे हैं, सबका नाम OU चेंज कर रहे हैं, हम 7 यूजर बनाएंगे एक साथ बैच फाइल के थ्रू, तो मतलब ये फिफ्थ स्टेप ये भी पॉसिबल है।
हर जगह नाम चेंज करना है डोमेन का, यहाँ पर अगर गलती हो गई तो आपका यूजर एग्जीक्यूट नहीं होगा। पासवर्ड सबसे -123 है। एक बेटर ऑप्शन ये आपके यूजर एक्टिवेटेड मिलेंगे, हाइफ़न डिसेबल्ड नोट है। तो यहाँ पर मैं फाइल में जाके सेव एज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर फाइल नेम दे रहा हूँ user3.bash। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर जाते हैं सी ड्राइव में, स्क्रिप्ट्स में यूजर थ्री पे डबल क्लिक करते हैं। रिफ्रेश करते हैं, यूजर 01 का एरर आया था क्योंकि यूजर 01 बना हुआ है यूजर में, कहीं पे बना होगा तो इस वजह से एरर आ रहे हैं। ये मैंने बना रखे यूजर 01, इसे ये बना दूँ, बाकी इतने क्लैशिंग हो जाएगी बैच फाइल में, अदरवाइज LTF और CSV में क्लैशिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा मेथड था 5 तरीके का, जिसके थ्रू बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरी के यूजर बना सकते हैं मल्टीपल मतलब। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।